Calculate our profit or loss. We divide that life into 15 years or 14 years or 10 years, and every year we'll calculate the profit or loss. That is only okay. नहीं तो क्या होगा, 15 साल के एंड तक वेट करना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस. दैट इज नॉट पॉसिबल. सो इनकम एक्सपेंस दे आर शॉर्ट टर्म वन ईयर आइटम, बैलेंस शीट दे आर लॉन्ग टर्म. बैलेंस शीट में सब लॉन्ग टर्म आइटम्स, आने वाले सालों में जो बेनिफिट आएगा या आने वाले सालों में जो बेनिफिट देगा तुम, दैट विल रिकॉर्ड. एंड शॉर्ट टर्म में क्या होगा, तुम्हारा इनकम्स एंड एक्सपेंस. वन ईयर का इनकम, वन ईयर का एक्सपेंस. फोर कंसेप्ट ऑल आर क्लियर. फर्स्ट इज एंटिटी, सॉरी व्हाट इज एंटिटी. What is going concern? Business will run for a long period of time. Long term alag, short term alag. Har saal you calculate your profit or loss to compare. Not at the end of 10 years or 15 years. Okay. Next. Consistency. Usse pehle approval. What is approval? Outstanding. But what is the reason? What is the meaning of approval? How do you record your incomes and expenses? On the basis of time. Earned basis, yeah, incurred basis. Not on basis of paid. Paid basis पे कभी record नहीं होता. ना ज्यादा ना ज्यादा है तो prepaid करके minus करो, कम है तो outstanding करके बढ़ाओ. Income में ज्यादा है तो received in advance, और कम है तो income received बंद. Adjust करके दिखाना है. Okay? Incomes and expenses. Accrual concept means what? It states that incomes and expenses are recorded on earned and incurred basis, not on paid basis. Not time basis pe hota hai, not on paid basis. That is the meaning. And why do you follow this accrual? To maintain consistency. To maintain consistency ka reason pata chala. What is consistency, you understood? Kya hota hai consistency? To maintain same level of profits. Your profits should change, but to compare. Consistency is done for comparison. But say profit should change, but they should change because of your sales, not because of your recording of expense. काम तो उतना ही हो रहा है सर. Expense को consistent रखो, बने उतना consistent रखो. Income को भी बने उतना consistent. Clear? So four concepts, and now you have a small exercise behind the sheet. If you see, that is for homework. And उसको है ना उधर ही solve कर देना pencil से. पूरा तुम्हें दिख रहा है, तीन क्वेश्चन है वहां पे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करके दिया हुआ. देयर आर थ्री क्वेश्चन. नाउ फर्स्ट वन सीधा क्लासिफाई करना है, वेदर दे आर रियल पर्सनल और नॉर्मल. सेकंड वन भी वैसा है. थर्ड वन में ना थोड़े बहुत आंसर रॉन्ग है, तो तुम्हें राइट करना है. सो फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी अकाउंट, इज इट नॉमिनल? सो दैट इज रॉन्ग. ओके, व्हाट अबाउट बैंक? पर्सनल, रियल रॉन्ग. रॉन्ग है, उसको पेंसिल से कट करके ऊपर राइट आंसर. बाकी सब में तो आरपीएन लिखना है ऊपर और सेकंड में. दैट इज एन एक्सरसाइज फॉर होमवर्क. पहले पूरे 150 आइटम जितने भी किए हमने रिवाइज करना, समझना अच्छे से, फिर वो एक्सरसाइज करना. डाउट्स है तो मैसेज कर देना. ओके, नाउ आई जस्ट शो यू सम आइटम्स, यू टेल मी वेदर दे आर रियल पर्सनल और नॉर्मल. कीप दिस शीट असाइड. कंप्यूटर उधर से जाकर. कंप्यूटर वाई लॉन्ग टर्म एसेट. एसेट, सो दैट इज फिक्स्ड एसेट. सिंपली एसेट विल डू. व्हाट इज लोन? रियल एंड लास्ट वन. फर्स्ट वन. व्हाई? बिकॉज. व्हाट इज लोन? इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी. देना बाकी. सो व्हाट एनी लायबिलिटीज फॉर डेटर? डेटर्स आर एसेट्स बट दे आर नॉट पर्सनल. ह्यूमन बींग से पैसा लेना बाकी, डेटर कौन है जिससे पैसा लेना बाकी. टेल मी सैलरी. नॉमिनल. नॉमिनल वाई? वेजेस. नॉमिनल वाई? एक्सपेंस. कैपिटल. 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 व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल
पर्सनल व्हाई कौन सी लाइब्रेरी इंटरनल ओनर को देना बाकी है ना उसको रिप्रेजेंट कर ड्रॉइंग ओनर को रिप्रेजेंट करता है साथ में मेंटेनेंस नॉमिनल व्हाई एक्सपेंस वेजेस नॉमिनल रेंट नॉमिनल प्रीमाइसेस नॉमिनल व्हाट tell me discount allowed? Discount allowed. Nominal. Why? Expense. Discount is in. Why? Rent. Nominal. Why? Expense. Goods. Free. Why? Maintenance. Nominal. Why? Expense. Purchases. Purchases. Personal. Nominal? Yeah, yes. Kidon. Nominal. Actual answer is nominal. Biggest expense of the year. Okay. So my real karvaya to dhyan dena. Exam mein bada dhyan dekar kar. Drashti. Tell me drawings. Personal. Why? Expense. Huh? Personal bolke expense. No, it's we have to withdraw for withdraw on it. किसको रिप्रेजेंट है बिजनेस मैन ड्रॉइंग्स रिप्रेजेंट बिजनेस मैन दैट्स व्हाई इट इज फर्स्ट ओके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नॉमिनल पर्सनल रियली पर्सनल बोल दे रियल तीनों बोल रिड्यूस करो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है अभी बोल रहे सामने बोल रहे आउटस्टैंडिंग प्रीपेड इनकम रिसीवेबल इनकम रिसीवेबल ऑल फोर आर रिप्रेजेंटेटिव किसी को कुछ देना बाकी है किसी से देना बाकी है कंप्यूटर कंप्यूटर नहीं खाली कंप्यूटर जो बिजनेस में एसेट कौन सा एसेट फिक्स्ड या करंट Fixed. Long term. What about goodwill? Goodwill, intangible asset. So? Real. What about Rahul's account? Personal. What about LIC? Personal. What about conveyance? Nominal. Why? Because they're expense. Kaun sa expense hota hai conveyance? Meaning? Train, bus, okay. Carriage inwards. Nominal. Freight. Nominal. Gas, water, electricity. Nominal. Motor power. Nominal. Reebok. Personal. Personal. Reebok brand name hai. Real hai. Confident. And they're too confused. Okay. Reebok is a company, so that is personal. If I tell you brand name, then it is intangible. Okay, so intangible asset. Tell me salaries. Nominal. Conveyance. Asset. Expense nominal. Royalties. Nominal. Nominal. Expense. Good. And tell me bad debts. Bad debts. Nominal. Why? Loss. Investments. Personal. What are investments? Real. Investments are human beings or institute. Investments are real. Real. Why? Asset. What is cash? Real. Cash is real. इन्वेस्टमेंट कैश इज रियल बिकॉज एसेट और कैश को ही देके हमने शेयर्स खरीद लिया सो दैट द मनी ग्रोथ उसको बेचेंगे तो पैसा मिलेगा ना शेयर्स बेचते तो पैसा मिलेगा बॉन्ड्स बेचोगे तो पैसा मिलेगा डिबेंचर्स बेचोगे तो पैसा मिलेगा ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स रियल दे आर टैंजिबल एसेट्स ओके सो दे आर रियल क्लियर डिविडेंड
What is dividend? What is dividend? From stocks. Shares se jo income aati hai, that is called as dividend. That is nominal. Okay, remember. Interest. You get every year. So what is it? Nominal income. What about depreciation? What was depreciation? Loss. Every year asset value come hota hai. Nominal expense. What about bad debts? Nominal. What about gas, water, electricity? What about purchases? What about sales? What about goodwill? Real. Buy? Intangible asset. What about rent? Sorry. Rent. Nominal. Forwarding charges. Very. Doubtful. Forwarding clearing. Any charge, any expense, they are all nominal. What about commission? Nominal. What about bank charges? Nominal. What about bank commission? Nominal. What about bank? Firstly. Why? It is institute. Institute. Correct. Tell me Arya Poddar College? Firstly. Tell me Rahul's account? Firstly. Tell me refreshment expense? Nominal. Tell me appreciation. Nominal. Nominal income. Tell me goods. Goods are real. Goods and stock are always real. No thoughts about them. Okay? But purchase, sales, purchase return, sales returns. These are nominal. Tell me commission received. Commission paid. Interest received. Trade expense. All are expense or incomes. Okay. Tell me brand name. So, real personal nominal. Real. Tell me Google's account. Tell me SIS college. Tell me computer maintenance. Computer repairs. Building maintenance. Livestock. Real. Livestock. Real. Why? So, assets. All assets are real things. Letters. Personal. Letters. Personal. Letter answer. Letters. Personal. Why? Human beings. Creditors. Personal. Debtors are assets, but they are personal. Creditors are liabilities. And all liabilities are personal. Pension fund. Personal. Contribution to pension fund? Nominal. Very good. Bonus? Bonus. Nominal. Salaries? Salary nominal. Maintenance? Even. Maintenance nominal. Repairing charges? Nominal. Kavish, tell me wages paid? Wages paid nominal. Dividend received? Nominal. Debentures? Nominal. What are debentures? Real. Type of investment. Type of investment mein maine 3-4 examples karwaye hain, usme bhi hai list. What are the type of investments? Shares, fixed deposit, bonds, debentures, and securities. Securities are nothing but shares, debentures together. Har ek ka meaning samajh mein aayega. Hum transactions sab karenge na, detail mein bataunga main. ये सब क्या है, इन सब में हम पैसा इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, सो दैट द मनी ग्रोस. ऑल आर अवर एसेट्स. इज दिस क्लियर? क्या क्या एग्जाम्पल है? शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, एफडी एंड सिक्योरिटीज. कंफर्टेबल? अनंत, बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट नॉर्मल. एनीवन नो द मीनिंग ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट? एक्सप्लेन. किसको याद है? Tell me correct. When you have a bank allows you to take excess amount of money from your account and ask you to pay back after certain. Very good. Bank overdraft is what? You get a facility from the bank. That is a short term loan. Hamare bank mein 50,000 hai, you can withdraw 60,000. 10,000 ka loan deta hai. So bank OD is a short term loan. And all loans are liabilities. All liabilities are personal. Bank is also personal. Bank OD is also personal. Bank loan is also personal. Is this clear? All are personal and personal. What about interest on overdraft? Nominal.
Nominal. जो लोन लिया है उस पर यू पे इंटरेस्ट. व्हाट अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन? Nominal. What about interest on investments? Nominal. What about dividend on investments? Nominal. All these are incomes. But what about investments? Personal. Yes. Investment बोल के क्यों personal? Investment are they human beings? No. Are they artificial institutes? सोचो ना. What are investment? Asset. Cash क्या है? Asset. So all investments are cash only. But cash बैठे बैठे grow नहीं होता है. Investment grow होता है. Income देता है ना अपने. कैश के जैसा ही होता है. कभी भी बेच के पैसा मिल जाए. इज दिस क्लियर? फर्नीचर रियल, कंप्यूटर रियल, बिल्डिंग रियल, प्रॉपर्टी लीज होल्ड प्रॉपर्टी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ऑल आर रियल. ओके बट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वाइट वॉशिंग क्लीनिंग मेंटेनेंस सर्विस चार्जेस रिपेयर्स रिन्यूअल्स ऑल आर नॉमिनल. इज दिस क्लियर? रिमेंबर ऑल द लॉजिक से याद रखो. लिस्ट तो कुछ भी हो सकता है ना. ये तुम दूसरे बिजनेस में जाओगे और चीजें मिलेंगी. लॉजिक याद में रखो. एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट है या लायबिलिटी या इसके लिए पर्सनल ह्यूमन बींग है, इंस्टीट्यूट है या फिर रिप्रेजेंटेटिव. पर्सनल के तीन होते हैं ना, ह्यूमन बींग, इंस्टीट्यूट एंड रिप्रेजेंटेटिव. रियल के टैंजिबल और इंटैंजिबल एसेट चीजें होनी चाहिए, ह्यूमन बींग नहीं होने चाहिए. सो रियल हो गया. एंड नॉमिनल में एक्सपेंस लॉस इनकम है. आज वापस रिवाइज करना, थोड़ा जिनका मिस्टेक हो रहा है. कल नहीं चाहिए, कल लिखने को मिलेगा ट्यूजडे. सो रिवाइज प्रॉपरली एंड डू दैट एक्सरसाइज. इफ यू हैव एनी डाउट डिफिकल्टीज लेट मी नो. पहले मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, क्लियर. अरे बाबा बाकी है. सो मेरे को बोलो और समझ के बाद में करना, सीधा भागो मत, भाग कर. ठीक है? सो डू दैट फॉर होमवर्क एंड टेक द नेक्स्ट शीट. डबल एंट्री सिस्टम. ओके, डबल एंट्री सिस्टम की शीट पे आ जाओ. नाउ वी आर एक्चुअली इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग नाउ. ठीक है? फर्स्ट थिंग, रिकॉर्डिंग प्रोसेस का हिस्सा हमने अभी कवर किया. जब भी कोई ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करना है बुककीपिंग में, तो पहली चीज हमें क्या करनी है, जितनी भी चीजें हैं उसको अकाउंट में कन्वर्ट किया. अकाउंट में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको क्लासिफाई किया, आइदर रियल पर्सनल नॉमिनल या फिर एसेट लाइबिलिटी इनकम्स एंड एक्सपेंस. उसमें हमने क्लासिफाई कर लिया. अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे. नेक्स्ट स्टेप में हम रिकॉर्ड करेंगे बाय फॉलोइंग विच सिस्टम. दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. इसको क्या बोलते हैं? ग्लोबली एक्सेप्टेड सिस्टम, यूनिवर्सल सिस्टम, फुल प्रूफ सिस्टम. इससे अच्छा कोई सिस्टम ही नहीं बना सकता. ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. एवरीवेयर ग्लोबली वी फॉलो दिस सिस्टम. क्या नाम है इसका? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या हुआ? एवरी ट्रांजेक्शन has got two effects because it is a two way thing. Transaction is a dealing, give and अभी भी कुछ देगा तो रिटर्न में कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ तो है. ओके, सो एवरी ट्रांजेक्शन हैज ऑलवेज गॉट टू इफेक्ट एंड इन डबल एंट्री सिस्टम वी रिकॉर्ड बोथ द इफेक्ट. डबल एंट्री सिस्टम वी रिकॉर्ड. एक और सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम. इट इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड. उसमें बंदा पूरे रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता, एक ही साइड रिकॉर्ड करता है जो प्रैक्टिकली वायबल नहीं है. टैक्स भी एक्सेप्ट नहीं, टैक्स लॉ भी एक्सेप्ट नहीं करता है, कोर्ट भी एक्सेप्ट नहीं करेगा. किसी पे भी तुम्हें वायबल अकाउंट्स बनाने हैं, अगर कोर्ट का प्रॉब्लम है या टैक्स का प्रॉब्लम है, कुछ भी है, इधर भी मेंटेन प्रेजेंट करना है, तो यू हैव टू फॉलो दिस डबल एंट्री सिस्टम. नो वन इज गोइंग टू एक्सेप्ट सिंगल एंट्री सिस्टम. इज दिस क्लियर? तो रिमेंबर दिस, डबल एंट्री सिस्टम जो अभी हम लोग करेंगे दैट इज व्हाट ग्लोबली एक्सेप्टेड सिस्टम, मोस्ट सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक सिस्टम. What does it follow? Every transaction has a give and take relationship. Okay? Every transaction has a give and take relationship. And we record both the aspects. Give wala bhi, take wala. So, hamara business to full proof maintain hai. Samne wale ke saath comparison karna hai. Wo bhi easily possible ho jayega. Kya diya, kya liya. So, that is what we follow in double entry system. Two aspects and both are recorded. Okay? One aspect is called as debit and one aspect is called as credit. तो दो aspect होते हैं इसमें, एक को debit बोला जाता है, एक को credit. अब क्या debit और क्या credit? तो इसको अगर crude में समझना है, एकदम basic sense में समझना है, तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो receiver of the benefit होता है उसको debit करते हैं हम, उसको debit बोला जाता है, और जो giver of the benefit होता है उसको credit बोला जाता है. कोई भी transaction में, लेती देती में, जो रिसीविंग साइड पे है, जिसको बेनिफिट या कुछ भी मिल रहा है, वी कॉल देम एज डेबिट. ओके, एंड जो गिविंग साइड पे, वी कॉल देम एज क्रेडिट.
okay, credit. So debit ये basic एकदम crude sense का meaning है, debit और credit. तो receiver होता है उसको benefit का, debit होता है giver को credit. अब इसके लिए थोड़ा term याद रखो, this ये जो debit credit है ना, this term has come from some French word, okay, debere and credit. कभी किधर objective में कोई college पूछ लिया, okay, I'll give you in writing also, debere, D-B-R-E and credit. C-R-E-D-E-R-E, some French word. Some French person also invented this double entry system of bookkeeping some 200-300 years back. Uska naam tha Lucas D. Pacioli. Okay? The spelling, some detailed name I'll give you when we do the objectives and all. Lucas D. Pacioli. Okay? Usne invent kiya double entry system. French person he was. Okay? So, ye jo wahan se system chali aa rahi hai, abhi uska naam abhi debit credit se abhi we are using debits and credits. अभी अपने को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए तीन गोल्डन रूल जरूरी है, जो किसी भी ट्रांजैक्शन में क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है, इसको समझने के लिए वी नीड टू नो थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स. ओके, वन फॉर रियल अकाउंट, वन फॉर पर्सनल अकाउंट, वन फॉर इन अ क्रूड सेंस डेबिट क्रेडिट मीन्स रिसीवर इज डेबिटेड एंड गिवर इज बेनिफिट का रिसीवर डेबिट होता है गिवर क्रेडिट होता है, वो जनरल मीनिंग समझने के लिए. सम्स में ट्रांजैक्शन में हमें तीन रूल्स फॉलो करना है. Golden rules of accounts. What are these golden rules of accounts? One for personal, one for real, one for nominal. Personal account ka rule suno. Personal account ka rule is debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. Personal accounts are what? Human beings and institute. Bande hai wo. Chahe real, chahe artificial. So receiver and giver. Jo receive kar raha hai, kuch bhi receive kar raha hai. Debit the receiver. Jo give kar raha hai usko credit. Debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. What about real accounts? Real accounts were things. They were accounts of assets, things, movable. Idhar se udhar transfer hoti hai, right? So, business mein agar wo cheez aayi, debit what comes in and credit what goes out. Aayi to debit karo, gayi to credit. Things, real accounts, assets. Aaye to debit karo, jaaye to credit karo. आए तो डेबिट करो, जाए तो क्रेडिट करो. सो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जो आया उसको बेनिफिट मिला, जो गया बेचारा बेनिफिट लेके गया, सो गिवर ऑफ द बेनिफिट है वो, वैसा होता है. ओके, सो एसेट्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. फॉर व्हाट? रियल अकाउंट. एंड व्हाट नॉमिनल? व्हाट आर नॉमिनल? एक्सपेंस, लॉस, इनकम्स एंड गेन्स. सो सिंपल, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. एक्सपेंस लॉस हुआ है ना, तो दे आर रिसीविंग द बेनिफिट, इसलिए वो एक्सपेंस गिना जाता है. एंड इनकम गेन मतलब फायदा, सो दे आर द गिवर ऑफ द बेनिफिट. सो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. प्रॉफिट्स को गेन को क्रेडिट करो, लॉस एक्सपेंस को डेबिट करो. दैट इज द रूल फॉर विच अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट. चलो पर्सनल अकाउंट, व्हाट इज द रूल? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. पर्सनल अकाउंट क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, सिंपल. एंड नॉमिनल क्या है? एक्सपेंस लॉस, इनकम. सो डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम. इजी, वेरी इजी. पहले लॉजिक समझो, क्या है? ह्यूमन बींग है ना, तो आएगा जाएगा नहीं, देगा और लेगा. एसेट है तो आएगा जाएगा. एक्सपेंस लॉस, इनकम. रियल अकाउंट, what is the rule? Debit what comes in, credit what goes out. Personal, debit the receiver, credit the giver. Nominal, debit all expenses and losses, credit all income. Valid debit, fair credit. Is this clear? Real account, debit what comes in, credit what goes out. Personal, debit the receiver, credit the giver. Nominal, debit all expense and losses, credit all income and gains. Nominal, debit all expense and losses, credit all income and gains. Personal, debit the receiver, credit the giver. Nominal, debit all expense and losses, credit all income and gains. Personal, debit the receiver, credit the giver. Nominal, debit all expense and losses, credit all income and gains. Personal, debit the receiver, credit the giver. Real, debit what comes in, credit what goes
comes out. Nominal. Debit all expense and loss. Credit all incomes and gains. Real. Debit what comes in. Credit what goes out. Nominal. Debit all expense and losses. Credit all incomes and gains. Debit the receiver. Credit the giver. Nominal. Debit all expenses and losses. Credit all incomes and gains. Real. Debit what comes in, credit what goes out. Nominal. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Real. Debit what comes in, credit what goes out. Personal. Debit the receiver, credit the giver. Real. Debit what comes in, credit what goes out. Nominal. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Personal. Debit the receiver, credit the giver. Real. Debit what comes in, credit what goes out. Nominal. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Real. Debit what comes in, credit what goes out. Personal. Debit the receiver, credit the giver. Silence. मैं जिसको बोलूंगा वो आंसर ठीक है सोचो टेक योर टाइम ढाई करने की जरूरत नहीं है सोच लो आता सब पर्सन थिंक डेबिट द रिसीवर डोंट आंसर बाकी क्रेडिट द वेरी रियल डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट वेरी करन नॉमिनल डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड वेरी गुड पर्सनल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वेरी गुड नमन रियल debit what comes in credit what goes perfect so drashti real debit debit aram think real accounts kya hota hai things go debit what comes in perfect drashti nominal expense pura debit all expense and losses credit all gains and personal debit the receiver credit the giver nominal debit all expenses and losses credit all incomes and gains personal debit the credit receiver credit the person giver debit the receiver and credit the giver nominal debit all expenses and losses, credit all profit and gain. Perfect. Real. Debit what comes in and credit what goes out. Nominal. Debit all expense and losses and credit all income and gain. Personal. Debit the giver. Giver का receiver हो गया सबके लिए debit the receiver of the benefit my bad debit okay giver credit giver okay debit the receiver credit the giver real the debit what comes in is and the credit what goes out nominal debit all the losses and expenses and credit all the incomes and gains personal debit the receiver credit the giver perfect real debit what comes in credit what goes out nominal debit all the expenses and losses and credit gains and income perfect real debit what comes in and credit what goes out nominal debit all the expenses and losses and credit the income and personal debit the receiver and debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. Personal account, last time. Personal account. Debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, goes out. And nominal. Debit the receiver. So that's it. We stop for the day. Okay. Next lecture, we will be actually recording the entries. Okay. वो process start हो जाएगी अपनी journal वाली. तो यहाँ तक का जो भी items है एकदम clearly revise it. You have any doubts message? Exercise के तीन जो classification है करके आ. Okay.
okay? You can leave. We meet on Tuesday. One second. Let me. Sure. You can leave. We meet on Tuesday at 8 o'clock. Okay? Tuesday 8 today. Chalo, bye, take care. Homework kar ke aana. Sure. Bye, take care. Bye. Bye, take care. Bye. Bye. Device, huh? Bye, sir. I'm everything starting, sir. Bye. Chalo, bye. Bye, sir. Late mata, bhai, kitna late aaya, sir? Aare, time pe aana. 15 minute jaldi aana. Aapko separate time pe bulaya. Bye, sir. Bye, take care. College is just confirm or just text me, okay? First is no plan. No, sorry. NM, okay. Yeah, I'm going to go.